देखो, आपको इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सोच भी लिया है कि जॉन विक देखना है तो सिर्फ देखने जाओ। फिर भी मैं इस मूवी को देखने के 5 रीजंस देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला और मेन रीजन आता है सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट। आप ये मूवी देखने जाते हो तो आप फुल एंजॉय करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। मूवी जिन प्रॉब्लम और जिन क्वेश्चन के साथ शुरू होती है, लास्ट में हर एक क्वेश्चन हर एक प्रॉब्लम का आंसर देती है। पिछली 3 मूवियों से जॉन विक को पीस और इंडिपेंडेंस ही तो नहीं मिला, तो वो इस मूवी में पीस और इंडिपेंडेंस की तलाश में है और अपना बाबा योगा हर हद से गुजर जाने को तैयार है उस इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए, चाहे बात हो किसी को टपकाने की या पूरी दुनिया से लड़ लेने की, चाहे बात हो हाई टेबल के किसी मेंबर को मारने की या उसके रास्ते में जो भी आए उसे टपकाने की। दूसरा मेन रीजन आता है जॉन विक की किस्मत। कहते हैं किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, जॉन विक की किस्मत भी तुम सबकी ही तरह खराब है। जहां भी जाता है मौत ही आती है। पिछली 3 मूवियों से जब भी लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, एक नई प्रॉब्लम उसका इंतजार करती रहती है। इस बार भी तैयार है कि कोई भी प्रॉब्लम आए ठोक देंगे। यही एटीट्यूड के साथ वो सबसे पहले हाई टेबल के एक मेंबर को ठोक देता है। उसे लगता है कि पिछली बार सारी प्रॉब्लम उसी वजह से आई थी, अब ये मर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। हाई टेबल पे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, अब वो नहीं तो दूसरा मेंबर आ गया है। अब पूरा हाई टेबल जॉन विक की मौत चाहता है। तीसरा मेन रीजन आता है स्टेक सेट करने का। मूवी अपने स्टेक्स बहुत ही बेहतरीन सेट करती है, चाहे वो बात हो एंटोनियो दी मैग्रिनो के डोमिनेंस सीन की, जो कि विंस्टन के साथ बात करते हुए उसका होटल उड़ा देना, वो भी मूवी की एकदम बिगनिंग में, जो उसकी पावर हायरार्की को सेट कर जाता है। साथ ही इल्डर की मौत के साथ स्टेक्स और हाई हो जाते हैं, वो भी मूवी की बिगनिंग में ही। और इस मूवी ने स्टेक्स को बताया नहीं, दिखाया है। हर बार जब बाउंटी का प्राइस बढ़ता है, प्लस जब वो लड़की रेडियो पे इन्वायरमेंट के बारे में बताती है कि मुसीबत कितनी बड़ी है, मूवी के आगे बढ़ने के साथ साथ ही बाउंटी प्राइस का बढ़ना प्लस रेडियो वाली लड़की का बताना बार बार कि अब खतरा कहाँ है और खतरा कितना बड़ा है और कौन इसे संभालेगा। चौथा सबसे मेन रीजन आता है मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और म्यूजिक। एक VFX आर्टिस्ट होने के नाते मैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में हर सब कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि कैमरा एंगल्स, लाइटनिंग और शैडोज, पर ये सब जान के आपका मूवी का मजा खराब हो जाएगा। बात करते हैं एक्शन की। चाहे बात करें गाड़ियों के उड़ने की, बिल्डिंग्स ब्लास्ट होने की, हाई जंप की, ट्रैफिक वाला फाइट सीन और तलवार के साथ गन यूज करना, बहुत ही बेहतरीन है। करें म्यूजिक की तो इसके 2-3 म्यूजिक आपके फेवरेट हो जाएंगे। जापान के होटल मैनेजर का होटल से बाहर निकलते हुए नॉर्मल वॉकिंग करते हुए जो म्यूजिक का बैकग्राउंड बिल्डअप है, वो फील करा देता है कि ये एक रॉयल आदमी है। और म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है। और एक्शन के हिसाब से रेडियो पे म्यूजिक की टोन चेंज होना, क्या बेहतरीन मूवमेंट था, गजब। सबसे मेन रीजन आता है जॉन विक फ्रेंचाइज की लॉयल्टी, मोरल और वैल्यूज की। लॉयल्टी की बात करें तो जॉन विक उन लोगों से लॉयल है जो उनकी केयर करते हैं, और एक सेंस ऑफ हॉनर हो रहा है कि रूल्स का मतलब रूल्स होता है, चाहे जान देनी पड़ जाए लेकिन रूल नहीं टूटने चाहिए। और जॉन विक का इंथुजियाज्म कि जॉन विक एक किलर होने के बाद भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए सिंपैथी शो करता है, इन सारी चीजों को मूवी ने बखूबी संभाल के रखा है और एक प्रॉपर बैलेंस के साथ हमें डिलीवर करती है मास्टर। बोनस रीजन देता हूँ जो कि है कैरेक्टर बिल्डअप। केन भाई साहब आपका दिल जीत लेंगे, भलवे से ये अंधे हैं पर ये पनिसर और डेयर डेविल से खतरनाक मौत मारते हैं। साथ हो विंस्टन की या बाउरी किंग की, सबकी कैरेक्टर आर्क को इन्होंने बाखूबी ध्यान दिया है और सबका मूवी में एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। मेरे हिसाब से ये मूवी एक प्रॉपर एक्शन मास्टरपीस है, जो पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन एक्शन मूवी है ये। साथ ही आप अपना फेवरेट एक्शन सीन हमें कमेंट में बताइए, हम उसको पिन कर देंगे। थैंक यू।